गुड मॉर्निंग फ्रेंड, अभी तक हम 25 क्वेश्चन किए हुए थे जो जून 2023 शिफ्ट वन में जो दिया गया था उसका 25 क्वेश्चन किए थे। आज 26 से लेकर 50 तक जाएंगे। ठीक, चलिए देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राजनीतिक विचारकों में नागरिकता की संकल्पना अब प्रचलन के बाहर हो गई है, यह कथन निम्नलिखित में से किसने कहा था? राजनीति विचारकों में नागरिकता की जो संकल्पना है अब प्रचलन के बाहर हो गई है, यह कथन किसका था? तो यह कथन था वॉन गुस्टरन का। यह कथन किसका था? वॉन गुस्टरन का। ठीक, चलिए अगला 27 नंबर क्वेश्चन। इसमें है आपको मिलान करना है जो विचारक है और उसकी कॉन्सेप्ट क्या क्या है। ठीक, तो मॉरिस जोनस, सहकारी संघवाद, अत्यधिक संघीय सौदाकर, पॉल एपलबी, आइवर जेनिंग्स, सौदाकारी संघवाद और ग्रेनवेल आंस्टीन, सशक्त केंद्रीय प्रवृत्तियों वाला संघ। देखते हैं इसका क्या होगा। इसमें से इस ये जो क्वेश्चन है ये बनता है, इसमें एक भी अगर आपको याद रहे तो बन जाता है। जैसे कि मॉरिस जोनस जो है वो सौदाकारी संघवाद से संबंधित है। तो एक का तीन कहाँ कहाँ है? देखिए एक का तीन देखिए इसमें भी है और चार में भी है, दो और चार में है। ये दोनों तो कट जाएगा पहले ही, सॉरी ये नहीं कटेगा, मतलब ये ए और एक और तीन जो है सो कट जाएगा पहले ही। ठीक, इस दोनों में से एक का तीन और दो का ए है, एक का तीन यहाँ पे भी दे रहा है, एक का तीन यहाँ पे भी दे रहा है, दोनों में दे रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। पॉल एपलबी को आप लोग जानते होंगे। पॉल एपलबी अत्यधिक संघीय सौदाकारी थे। ठीक, यहाँ पे भी बी का दो दिया हुआ है, यहाँ पे भी बी का दो दिया हुआ है। अब सी का चौथा होगा या डी का चौथा होगा उस पर देखना है। तो ग्रेनविल आंस्टीन जो है आप देखे होंगे, पढ़े भी होंगे, तो वो सहकारी संघवाद के उनका कॉन्सेप्ट। ठीक, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका दो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 नंबर क्वेश्चन। फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग के अनुसार कार्य संतुष्टि के निर्धारक निम्नलिखित में से कौन है? फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग जो है उनके अनुसार कार्य संतुष्टि के निर्धारित निम्नलिखित में से कौन से, देखिए कौन सा है। एक तो ये है उपलब्धि, मान्यताएं और स्वयं कार्य, ये जो है इनके कार्य संतुष्टि के निर्धारक। तो उपलब्धि होनी चाहिए, मान्यताएं दिया, मान्यता होनी चाहिए कोई भी काम करेंगे तो, और स्वयं कार्य, ये इनका प्लग है। डी और ई जो है सो नहीं होगा। ठीक, इसका आंसर हो गया ए बी सी, पी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 29 नंबर। विभिन्न राज्यों के राज्यपालों की विशेष शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा युग गलत है? देखिए ये क्वेश्चन जो पढ़िएगा ये चीज ध्यान रखें, गलत नहीं, ये सब चीज पे ज्यादा ध्यान देना है। तो पहला है महाराष्ट्र, विदर्भ और मराठवाड़ा के लिए अलग विकास बोर्ड, ये सही है। तेलंगाना, रायल सीमा क्षेत्र के लिए अलग विकास बोर्ड, नहीं इसके लिए गलत है, ये गलत है। फिर असम में दिया गया है राज्य में अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन, ठीक है। उसके बाद मणिपुर, राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में, ये भी ठीक है, बस ये गलत है। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा दो। चलिए नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से कथन उदारवाद के संबंध में सही है? निम्नलिखित में से कौन से कथन उदारवाद के संबंध में सही है?
किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पूर्व सार पर विचार किया जाना चाहिए। सामाजिक परिवर्तन इसका सुक्ति वाक्य होना चाहिए। यह व्यवसायियों के राजनीतिकरण की वकालत करता है। और चौथा क्या है, तकनीक और परिमाणन सर्वाधिक आवश्यक। ठीक, इसका आंसर होगा ए बी और सी, यानी कि चौथा, चौथा इसका आंसर। चौथा है जॉन वॉल्के के अनुसार निम्नलिखित में से प्रतिनिधि की भूमिका क्या है। जॉन वॉल्के, वॉल्के है के अनुसार जो है निम्नलिखित में से प्रतिनिधि की भूमिका क्या है। ठीक, तो पहला न्यायिक सहायक की भूमिका, दूसरा है सुविधा कारक तटस्थ भूमिका, तीसरा है जिला राज्य का देशिक भूमिका, और चौथा है क्रांतिकारी भूमिका। ये गलत, क्रांतिकारी भूमिका नहीं होगा, ए बी सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। यहूदी आंदोलन और यहूदी कांग्रेस के आगमन से निम्नलिखित में से कौन संबंधित हैं। यहूदी आंदोलन और यहूदी कांग्रेस के आगमन से निम्नलिखित में से कौन संबंधित हैं, कौन है बताइए। ये होगा इसका आंसर थियोडोर, थियोडोर हर्ज। ये हैं यहूदी आंदोलन और यहूदी कांग्रेस के आगमन से निम्नलिखित में से कौन संबंधित हैं, तो थियोडोर हर्ज। ठीक, अब अगला क्वेश्चन कौन सा है, 33 ना। लॉक की पुस्तक, लॉक की पुस्तक दो नाली बंदूक है जिसमें एक नाल फिल्मर की ओर तथा दूसरा हर्ब्स की ओर तना हुआ है। ठीक है, दूसरा कथन क्या है कि यह सच है कि लॉक को यह पूरी तरह एहसास हो गया है कि राज्य और दायित्व के अपने नए सिद्धांत के पूर्व प्रतिपादन हेतु उसे फिल्मर और हॉब्स दोनों का पूर्णतः खंडन करना होगा। तो सही बात है, दोनों सही है, तो कथन एक और कथन दो दोनों ही सही है। थर्टी फोर का देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन से प्रस्ताव अल्पसंख्यक संबंधी अधिकारों से संबंधित नहीं है, कौन से प्रस्ताव। तो इसमें नेहरू का संवैधानिक मसौदा, ये अल्पसंख्यक से संबंधित है ही नहीं। उसके बाद कराची प्रस्ताव, ये भी संबंधित नहीं है। मुस्लिम महिला तलाक संबंधी अधिकार की रक्षा अधिनियम विधेयक 1986। ठीक, और एक है तीन तलाक विधेयक 2018। तो इसमें से ये तीनों जो हैं इससे संबंधित, अल्पसंख्यक संबंधी अधिकारों से संबंधित नहीं है। ये तीन तलाक विधेयक जो है अल्पसंख्यक से संबंधित। ठीक, क्योंकि आप भी जानते होंगे। चलिए नेक्स्ट, कौन सा, 35 देखिए क्वेश्चन नंबर 35। लोकप्रिय संप्रभुता और सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार की संकल्पना एक दूसरे की पूरक है। ठीक है, और दूसरा है संप्रभुता का स्रोत जनता है और इसलिए प्रत्येक वैश्विक मताधिकार, वैश्विक को मताधिकार दिया जाना चाहिए, प्रत्येक जो वैश्विक होंगे उसे मताधिकार दिया जाना चाहिए। ठीक,
तो ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट 36, पहला है कथन अभिकथन ए। अभिकथन ए क्या है? सिद्धांत वाई की मान्यता है कि व्यवहार का सम्मेलन प्रबंधन में मूल प्रक्रिया है, ठीक है, और इसका कारण है सिद्धांत वाई के परिणाम स्वरूप ऐसी दशाएं सृजित होती हैं जो सदस्यों के लिए उद्यम की सफलता की दिशा में उनके प्रयासों को निर्देशित करके उनके स्वयं के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अनुकूल होते हैं। दोनों वाई सिद्धांत को लेकर ही बताया गया है, इसका भी व्याख्या ए और आर दोनों सही है। और इसमें आप देख रहे होंगे अभी तक में कि ये ऑप्शन ए इसका बहुत ज्यादा हो आ रहा है, ठीक, मतलब ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या, ठीक। चलिए नेक्स्ट, आर्थिक विकास के चरणों को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए, ठीक। उच्च सामूहिक उपभोग युग, प्रीटेक ऑफ स्टेज, एच ऑफ मेजोरिटी, टेक ऑफ स्टेज, ठीक। इसके ईयर्स को आप देखेंगे कब कौन आया था, ठीक। इसका सबसे पहले आया था प्रीटेक ऑफ स्टेज, उसके बाद था ये टेक ऑफ स्टेज, उसके बाद था एच ऑफ मेजोरिटी और लास्ट में ये आया, ठीक। इसलिए मैंने इसका आंसर एक होगा, ठीक। सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए, सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो है 28 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक। 40, उत्तर औपनिवेशिक नारीवाद के संबंध में कौन सा कथन सही है? चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर औपनिवेशिक नारीवाद के संबंध में कौन सा कथन सही है, ठीक। पहला है न केवल महिला और पुरुषों के बीच अंतर बल्कि विश्व के विभिन्न भागों में महिलाओं के बीच भी अंतर है, ठीक। दूसरा है महिलाओं के हाशिए पर होने को समझने के लिए संस्कृति और निर्जातीयता और भौगोलिक स्थान जैसे कारक महत्वपूर्ण, ठीक। तीसरा है उत्तर औपनिवेशिक नारीवादी संस्कृति आर्थिक और राजनीतिक दमन के संबंध में उपनिवेशवाद के ऐतिहासिक ज्ञान की ओर संकेत करता है, ठीक। चौथा क्या है महिलाओं की अधीनता को समझने के लिए एक सार्वभौमिक उपागम है। पांचवा है उत्तर औपनिवेशिक नारीवाद नारीवाद के अन्य रूपों से बिल्कुल अलग, ठीक। ये तो सही लग रहा है, ये न केवल महिलाओं और पुरुषों के बीच अंतर है बल्कि विश्व के विभिन्न भागों में महिलाएं के बीच भी अंतर है। दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है, ये दोनों गलत है। इसका आंसर होगा 4, ठीक। अगला, पूरब की ओर देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस है, बहुत बार पूछा जा चुका है। पूरब की ओर देखो की नीति किसकी सरकार के दौरान ग्रहण की गई थी, किसकी सरकार के दौरान ग्रहण की गई थी? तो यह नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा ग्रहण की गई थी, ठीक। और इन्हीं के समय में और भी कुछ हुआ था, आप लोग कमेंट में बताएंगे क्या हुआ था, ठीक। चलिए नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन,
अब इसमें दिया गया है विकल्पना यानी कॉन्सेप्ट और थिंकर, ये दो बार क्वेश्चन पूछ लिया गया। अब आप ध्यान रखेंगे कि अब जो क्वेश्चन आएंगे तो कॉन्सेप्ट और थिंकर से अधिक क्वेश्चन आ रहे हैं, दो अभी तक हमने देख लिया है, यानी कि चार नंबर का पहला क्या है, द थ्योरी ऑफ द मैसेज, दूसरा है मैनेजरियल रेवोल्यूशन, तीसरा है मास माइंड और चौथा है रूल ऑफ एंटीसेप्टिक रिएक्शन। ठीक, अब इसका आंसर है द थ्योरी ऑफ मैसेज का आटंग वाई गेस्ट, ये है, और डी का है तीसरा रूल ऑफ एंटीसेप्टिक रिएक्शन कार्ल जे फेडरिक। ठीक, इसका जो आंसर एनटीए ने दिया है ये दोनों दिया है, क्यों दिया है, क्योंकि दोनों के ऑप्शन सेम ही है, तो इसलिए ये दोनों ही इसके आंसर होंगे। ठीक, चलिए इसके आंसर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन नालंदा कॉलेज ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज कनाडा के संस्थापक हैं, तो इसके संस्थापक हैं स्वांडा एच जे सुगनासिरी, ये जो है संस्थापक हैं किसके, नालंदा कॉलेज ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज कनाडा के संस्थापक हैं। ठीक, 42, 43, एक मिनट, 43 क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन रानी गे दिन लियू के बारे में सही है, ये नाम नया नया आपको सुनने के लिए मिला होगा, ठीक देखते हैं। ए वह रोंग में जनजाति की थी, वह हिरका आंदोलन से जुड़ी थी, वे गांधीवादी सिद्धांतों का प्रचार करती थी और उसने अंग्रेजों के विरुद्ध गुरिल्ला लड़ाई लड़ी थी। ठीक, ये चारों ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए आगे, किस रचना से निम्नलिखित कथन संबंधित है, कानून उस व्यक्ति का आदेश है जिसका बोध आज्ञा पालन के तर्क में निहित है। ठीक, कानून उस व्यक्ति का आदेश है जिसका बोध आज्ञा पालन के तर्क में निहित है, तो यह है डी सीवे का ये लिखा हुआ है, बुक है डी सीवे। चलिए आगे, 45 नंबर क्वेश्चन, हु इज देयर नो इंटरनेशनल थ्योरी के लेखक कौन थे, इसके हैं मार्टिन वाइट जो है, हु इज देयर नो इंटरनेशनल थ्योरी के लेखक थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, 46 नंबर क्वेश्चन, यह कथन निम्नलिखित विचारकों में से किसका है, इसलिए राजनीतिक समानता कभी भी वास्तविक नहीं होती जब तक उसके साथ आभासी आर्थिक समानता राजनीतिक शक्ति न जुड़ी हो। ठीक, इसका है जे एच लास्की ने यह बात कही है, तो इसका आंसर लास्की होगा। ठीक, चलिए 47 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में वर्णित क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, तो ये ग्राम पंचायतों का गठन आप देखेंगे अनुच्छेद 41 में दिया गया है। ठीक, इसकी चर्चा काम के अधिकारों को सुनिश्चित करना, ये जो है अनुच्छेद 41 में दिया गया है।
न्यायोजित एवं मानवीय दशाओं हेतु उपलब्ध करना, ये जो है आपको अनुच्छेद 42 में दिया गया है। और निर्वाह मजदूरी एवं शिष्ट जीवन स्तर सुनिश्चित करना, ये जो है आपको 43 यानी 43 में दिया गया। अब इसको क्रमबद्ध में सजा दीजिए, तो ये है ए बी सी डी, इसका आंसर हो जाए। ठीक, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इससे एक क्वेश्चन और मौलिक अधिकार से एक क्वेश्चन, इस दोनों से एक एक क्वेश्चन हर बार 100% है, रहेगा ही रहेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने यूनिवर्सल सिस्टरहुड को अस्वीकृत किया है, तो वो है अश्वेत नारीवादी, क्योंकि इनका कहना था कि भाई नारी का जो भेदभाव हो रहा है वो रंग पे भी हो रहा है, रंग के आधार पे भी ये भेदभाव हो रहा है, इसलिए यूनिवर्सल सिस्टरहुड को इन्होंने अस्वीकृत किया था। तिलक की स्वराज शब्द की समझ थी, तिलक की स्वराज शब्द की समझ थी, तिलक की स्वराज शब्द की समझ थी, क्या होगा इसका आंसर? नैतिक आवश्यकताएं, ठीक है, यह धर्म है, एक कर्तव्य, ठीक, यह ऐसा जीवन था जो दूसरों पर केंद्रित और दूसरों पर निर्भर, ठीक है, इस अभिप्राय आत्मनियंत्रण और आंतरिक आध्यात्मिक स्वतंत्रता थी, तो इनका जो आंसर होगा ये होगा नैतिक आवश्यकता है, स्वराज का मतलब इनका, यह धर्म है, एक कर्तव्य है, इन्होंने कहा था तिलक ने, और इसका अभिप्राय जो है वो आत्मनियंत्रण और आंतरिक आध्यात्मिक स्वतंत्रता की बात की। ठीक, अब देख लीजिए ए बी डी, ए बी डी किस में है, ए बी डी तीसरा में दिया गया, यही इसका आंसर होगा, 50 नंबर क्वेश्चन। निकोलस हेनरी द्वारा उल्लिखित लोक प्रशासन के विकास की निम्नलिखित अवस्थाओं को सही क्रम में लगाइए, तो पहले तो हम इसकी ईयर्स को जानेंगे, तो राजनीतिक जो था वो था 1900 ईस्वी से था, आप लोग ही जानते होंगे 1900 ईस्वी से लेकर 1926 ईस्वी तक था। ठीक, अब इसकी जो सिद्धांत की बात की जाएगी, ये जो था सिद्धांत इनकी 1927 से था, उन्हें प्रशासन के जो सिद्धांत हैं 1927 से 1937, उसके बाद आपको ये लोक प्रशासन के रूप में लोक प्रशासन, ये आपको 1970 से अब तक का है, 70 से 1, उसके बाद है प्रशासनिक विज्ञान के रूप में लोक प्रशासन, प्रशासनिक विज्ञान के रूप में 1956 से लेकर 70 तक। अब बचा आपका राजनीति विज्ञान के भाग के रूप में लोक प्रशासन, तो है 1950 से लेकर 70 तक। ठीक, अब इसे आप क्रमबद्ध में सजा दीजिए, तो इसका पहले ए होगा, उसके बाद बी होगा, उसके बाद ई होगा, उसके बाद डी होगा, उसके बाद सी होगा। ठीक, तो ये इसका परमा होगा। चल ये ठीक, अब अगले दिन हम 51 से लेकर 75 तक क्वेश्चन करेंगे, और उसके अगले दिन हम 100 तक चले जाएंगे। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें, कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक, चलिए, धन्यवाद।